और आपने जाते बहुत अच्छी बात की आपने कहा अगर वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो तो उस यही देखना होगा कि तब तक आपका मिडल ऑर्डर कितनी बॉल्स खेला होगा तो आई थिंक नाउ अपॉर्चुनिटी दैट यू वुड हैव वुड द टी ट्वेंटी अगेंस्ट इंग्लैंड और उसके अंदर जरूरी नहीं है कि आप एवरेज हार्दिक पांड्या जो है पिछले डेढ़ से दो साल में पंद्रह से ज्यादा बॉलिंग खेल रहे हैं इनिंग्स में uh, क्यों जो है सूर्या कुमार यादव पिछले एक साल के अंदर जो है उनकी बॉल्स पर इनिंग्स जो है वो ऊपर चली गई है उसकी वजह ये नहीं है कि वो मिडिल ऑर्डर में उनकी बारी ज्यादा आ रही उसकी ये है उसकी वजह यह है हार्दिक पांड्या को उन्होंने प्रमोट किया अपर इन द बैटिंग ऑर्डर सूर्या कुमार यादव को उन्होंने ओपनर भी खिलाया तीन पे भी खिलाया बट दैट इज संग इज के ये नहीं कह रहे कि वर्ल्ड कप में आप इनको ओपनर या नंबर तीन पे खिला लें ये कह रहे हैं कि अगर बायोलैट्रल सीरीज़ आ रही है और वर्ल्ड कप की प्रपरेशन आ रही है तो प्रिपेयर योर मिडल ऑर्डर इन अ सिनेरियो वेयर इफ योर टॉप ऑर्डर फेल्स आर रेडी सिनेरियो प्रैक्टिस इज इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कंडीशनल प्रैक्टिस

कि जब पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस में अच्छी हाँ। देखता हूँ ना चाहे जो मर्जी टीम हो छोटी से छोटी टीम हो चाहे क्लब टीम हो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ मैच में और क्या हुआ एंड देन दी ओनली थिंग आई रिमेंबर इज़ कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने क्या किया उस स्पिनर्स की गुगली कितनी कितनी अंदर आ रही थी और इस टाइप की वाली कॉन्वर्सेशन और नवाज़ जैसा बॉलर कैसे छोड़ कर डाल रहा था और देखो कैसे फंसा रहा था तो मैं कम्प्लीटली जब पाकिस्तान की बॉलिंग की वारी आई हॉन्गकॉन्ग के खिलाफ एंड आई अंडरस्टैंड इट इज़ हॉन्गक मैं बिल्कुल कोई मिसकनसैप्शन में नहीं हूँ लेकिन सब कुछ भूल 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 भूला भूल गया था जब हमने शुरू में ही देखा कि नसीम शाह किम फायरिंग इन एंड देन धानी ऑल्सो बोल्ड ब्रिलियंट ओपनिंग स्पेल और फिर उसके बाद आई डोंट थिंक आई हैव सीन स्पिनर्स क्लीन अप अ लाइन अप एज एफिशेंटली एज शादाब एंड नवाज डेड बट रिहान थोड़ा सा पाकिस्तान के बॉलर्स पे बात करते हैं क्योंकि इस मैच से पहले पे भी तनकीद हो रही थी कि शादाब ज्यादा फ्रीक्वेंटली विकेट्स वगैरह नहीं लेते जबकि मेरे नज़दीक अगर कोई आपका स्पिनर अंडर 6.5 अपनी स्पेल खत्म करेट इन सेवन पॉइंट है और कंट्रोल हो जाते बट यस गो ऑन पाकिस्तान पाकिस्तान इज़ लकी बिकॉज का शादाब खान है जो साढ़े सात अंडर जाते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज हैं उससे पहले इमाद वसीम थे तो वो जो इकानी कंट्रोल करने वाली चीज है वो तो पाकिस्तान के स्पिनर्स आई डोंट केनी वन इन द वर्ल्ड डज दैट इवन अगेंस्ट टॉप टीम्स बल्कि परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं हमारे पास ये भी चार्ट है कि पिछले एक साल के अंदर अगेन बड़े इवेंट्स को हम कवर करें यहाँ पर पाकिस्तान आ, बड़े इवेंट बल्कि ये तो सारी ये तो तो सारी ओवरऑल पिछले साल का कि लास्ट टू इसमें पार्ट टाइमर्स के बारे में बात नहीं करे कैटेगोरिकली uh, जो प्रोमिन नाम अमूमन देखते हैं तो दीज मेक्स फॉर समिनल आप कहते शायद आप तनकीद और उसने चार विकेटें ली तो वो शायद विकेट टेकर बन गया चार विकेट निकाल भी दें तो ही टॉप विकेट टेकर इन द लास्ट वन ईयर मोहम्मद नवाज हैजी एपसोलूटली एक्सेप्शनल आठ मैचों में उसने ग्यारह विकेटें ली हैं और वो आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड करा ही कैन बोल इन डिफेंट फेजेज ऑफ द इनिंग्स ठीक है मोहम्मद वसीम का तो खैर बहुत ही है। अब अब इस ये मैं चार्ट शेयर करने का मकसद ये कि आप देखें आपके नंबर टू और नंबर थ्री ऑन विकेट टेकिंग चार्ट्स ठीक है वो दोनों आपकी स्क्वाड में नहीं है दोनों इंजर्ड हैं ठीक है उसके बावजूद जो आपकी रिप्लेसमेंट्स आई हैं वो उसमें आप देखें शाहनवाज धानी देख लें वो ही इज़ बीन परफॉर्मिंग रियली वेल माइट नॉट हैव पिकज मनी विकेट्स लेकिन अगर आप धानी को देखें तो उसका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है नसीम शाह हैज बीन ए कंप्लीट रेवोल्यूशन दस से कम की छोटा है लेकिन स्टिल टू द वे बोल्ड अगेंस्ट इंडिया सो पाकिस्तान की बॉलिंग रिसोर्सेज अगर आप पाँच से बाहर भी निकल जाएँ तो इतने हैं कि पाकिस्तान कैन चैलेंज एनी टीम अगर आप ओवरऑल पाकिस्तान का बॉलिंग रिकॉर्ड देखें तो आप सेवन की इकोनॉमी है पाकिस्तान की इन द लास्ट वन ईयर अब इफ वी कैन सी दैट टेबल अगैन आई थिंगड टू पॉइंट आउट इज हारउफ हारिस श्रौफ को हर बंदा तनकीद का निशाना बनाता है कि हारिस शरूफ मार बहुत खाते हैं हारिस श्रउफ ये बहुत हारिस हारउफ बोर्ज एट द डेथ लुक एट इज इकोनोमी सेवन पॉइंट सेवन एट फॉर समटलीस्ट टू ओवर डेथ

इतने ही इनएफिशंट होंगे शादाब देन ही जस्ट रिसेंटली वेंट फॉर अ प्लैटिनम कॉन्ट्रैक्ट इन बाय बाय अ टीम लेड बाय रिकी पॉन्टे जो बहुत हैवीली इस पर रिलाई करते हैं और उस मतलब आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि कभी भी वो जस्टिफाई नहीं करता बट ऑब्वियसली इवन दे सी द वैल्यू आई मीन इट इज वेरी इट इज वेरी इजी टू रियलाइज कि क्यों मोहम्मद नवाज या शादाब खान या पाकिस्तानी पाकिस्तान के और प्लेयर्स आर द मोस्ट शॉट आफ्टर प्लेयर्स इन फ्रेंचाइज क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड क्या ठीक है इवन यू नो शाहीन वगैरह अवेलेबल नहीं होते बिकॉज वो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं हार्स भी नाउ इन इज़ इन द टेस्ट स्कॉड लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज क्रिकेट ऑल अराउंड द वल्ड देखें तो दे ऑल रेट ऑल ऑफ दिस गाइज रियली हाईली अब इससे पहले क्या आप हमें मुड़ कहें कि यू लीग या साउथ अफ्रीका लीग में नहीं हुए तो दैट्स अनदर डे क्योंकि उसके पीछे इट्स नॉट नॉट दैट इंटरेस्ट है ये, हम बता दें. है, ये yeah. मैं आपको अथॉरिटी से बता सकता हूं अच्छा थोड़ा सा इंडिया के बारे में बात करते हैं रवि जदेजा जदेजा इज इंजर्ड एंड इज आउट अक्सर पटेल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द साइड के एल राहुल पर अभी भी वो कह रहे हैं कि जरा स्लगिश तरीके से वो प्रोसीड कर रहे हैं पिछले मैच में विराट कोहली प्लेड अ वेरी सिमिलर इनिंग्स टू विजवान प्लेड मतलब ही गॉट हिम सेल्फ इन एन देन ही वो सारा कुछ हुआ एक तो वो वही वाली बात है वो वो एक बहुत बड़े कप्तान ने

वन डे क्रिकेट कहना वो स्टिल स्कोरिंग रन ही वॉज नॉट गेटिंग हंड्रेड्स ठीक है एंड um, हाँ पिछले छः महीने में उसकी फॉर्म नहीं अच्छी रही टी ट्वेंटीज़ में इवन वो जो आई पी एल खेले आई पी एल भी तो खेले हैं पूरा आई पी एल खेले हैं है, उसके अलावा सो दैट इज अ डिप इन फॉर्म ऑल्सो वन डेज में उसकी फॉर्म थोड़ी डिप हुई वाइट बॉल क्रिकेट में जनरली फॉर्म जो है वो डिप हुई है लेकिन इंटरेस्टिंग <laughs> चीज़ इंडिया की ये है कि हमने इंडिया की बात की कि वो उन्होंने अपना मिडल ऑर्डर डेवलप किया वो मेजर टूर्नामेंट आया उन्होंने फिर वही करना शुरू कर दिया जो एग्जैक्टली exactly, जो जिससे वो दूर जाना चाहते थे वो एक्जैक्टली exactly उन्होंने दोबारा वही करना शुरू कर दिया जिसकी वजह से गैन द मिडिल ऑर्डर अभी तक वो दो मैच जो उनके हुए हैं उन दोनों में उनको मिडल ऑर्डर नहीं बचाया इट द टॉप ऑर्डर ये दिस कोर्ड एंड हॉन्गक अदर थिंग अभी वो एक uh, इंटरव्यू भी चला था जिसमें गौतम गंभीर क्लियरली क्लियरलीट दैट ही सूर्या कुमार यादव शुड बी बैटिंग एट नंबर एंड दैट्स अ गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ दैट हु शुड बैट एट थ्री आपने बात की थी विच मैंने आपका जो है वो डायलॉग कॉपी करके एक और शो पर भी बोल दिया था कि इट इज लाइक ऑल थ्री ऑफ आर रियली गुड प्लेयर्स बट इट्स लाइक प्लेइंग ट्राइंग टू फिट एंड लैम्पार्ड इन द सेम टीम विच डरली वर्क ठीक है नहीं मतलब अगर मैंने कहा होगा तो ठीक ही कहा होगा अच्छा तो <laughs> नहीं लेकिन थोड़ा सा इस इसमें मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ कि गेम प्लान के लिए हमने पिछले मैच में बहुत क्लियरली देखा कि इंडिया ने मैच मैचअप्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लॉय किया आ, हमने उनकी तरफ से फ्लेक्सीबिलिटी इन दी आ, इन दी ऑर्डर भी देखी आ, थोड़ा सा मैं यहाँ पर अब बात ये करना चाहूँगा कि अब दुबई में फिर से खेलने लगे दुबई में हमने ऑलरेडी देख लिया कि स्पंजी बाउंस है सारा कुछ है

देखिए बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो कॉम्पिटिशन्स चली हैं आईपीएल जो दुबई में हुई थी उसके अंदर भी आ, टीम्स और प्रेफरिंग टू तो चेस बट डिस्पाइट वो प्रेफर करती चेस करना लेकिन वो मैचेस हारी जा रही थी 50 50 रिकॉर्ड था उस वक्त पिछले साल टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें देर वॉज अ क्लियर एडवांटेज फॉर द टीम दैट वन द टॉस ठीक है येस तिरवर शाम में जो बैटिंग फॉर जीते लेकिन वो मोस्टली देर वॉज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर कितनी दफ़ा जो है बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है किस ऑपोजिशन की आई थिंक हॉन्गकॉन्ग इज़ दी ओनली टीम दैट हैज लॉस्ट चेसिंग बोथ देयर मैचेस बाकी अफगानिस्तान आई थिंक चेस बोथ देयर मैचेस वन बोथ मैचेस श्रीलंका वन देयर मैच चेसिंग इंडियंस बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो चेसिंग टीम जीती तो अभी तक तो जो आपको नज़र आ रहा है इस टूर्नामेंट का पैटर्न वो ये है uh, दे अगर मैं हमेशा मेरा हमेशा ये पॉइंट ऑफ व्यू अगर टॉस बिल्कुल इंपॉर्टेंट ना ना हो एंड हु प्लेज द बेटर क्रिकेट ऑन द डे विंस तो फिर टॉस कराए ही ना Don't know. yani don't this know. is the Rian, this is a conversation for another day